कैंसर का मूल कारण है अस्वीकृति। किसी भी बात को आप अपने जीवन में यदि अस्वीकार करते हैं और उस अस्वीकृति में बहुत ज्यादा तीव्रता होती है, तो वो तीव्रता शरीर में कैंसर का रूप धारण करती है। मैलिग्नेंसी बोलते हैं उसको मेडिकल साइंस में। जैसे मान लो आपको अपनी आंख अच्छी नहीं लगती, या फिर दांत अच्छे नहीं लगते, या कोई भी हिस्सा आपको अपने शरीर का अच्छा नहीं लगता, और अगर अवचेतन मन में आप उसको अस्वीकार करते रहते हैं, तो कई वर्षों तक यदि वो लगातार स्थिति बनी रहती है कि वो चीज़ मुझे स्वीकार नहीं, ये चीज़ मुझे स्वीकार नहीं है, तो फिर उस अंग में कैंसर उत्पन्न होता है। और कैंसर की तीन अवस्थाएं होती है, प्राइमरी कैंसर यानी प्रारंभिक कैंसर। प्रारंभिक कैंसर को तो तुलसी के 20-25 पत्तों को दही की एक कटोरी में प्रतिदिन सेवन करने पर मिटाया जा सकता है। फिर उसके आगे एक सेकेंडरी कैंसर होता है, मैंने उससे और गहरी, उसमें ऑपरेशंस वगैरह कराए जाते हैं, ऑपरेशन कराने पड़ते हैं। और फिर तीसरा जो होता है टर्मिनल कैंसर। टर्मिनल कैंसर का कोई इलाज नहीं होता, कुछ ही समय में उसकी मृत्यु की स्थिति आ जाती है उस मरीज की। लेकिन इसकी जड़ क्या है? अस्वीकार करना किसी चीज को। आपको मतलब पेट में मान लो अंदर कैंसर हो गया, तो उसका कारण क्या होगा? अवचेतन मन में कहीं ना कहीं कोई बात आपके भीतर ऐसी है जो आप उसको अस्वीकार कर रहे हैं, और वो फिर कैंसर का रूप धारण करता है। और भिन्न भिन्न स्थानों के कैंसर, जैसे पैनक्रियाज का कैंसर सबसे ज्यादा दर्दनाक होता है। पैनक्रियाज इसको कहते हैं, एक ग्रंथि होती है अपने शरीर में जहां से शक्कर पचाने वाला रस निकलता है, इंसुलिन जिसका नाम है। और इंसुलिन की कमी हो जाने से शरीर में शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है, और डायबिटीज का रोग भी होता है। तो ऐसे कई कारण हैं रोगों के, तो 400 रोगों के मानसिक कारण एक पुस्तक में छपे हुए हैं। उसमें कैंसर का कारण उन्होंने बताया है कि आप अपने शरीर के किसी भाग को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप नहीं चाहते उस भाग को, आपको लगता है कि ये चीज न हो तो अच्छा है, तो उस हिस्से में कैंसर उत्पन्न होता है। तो उसका इलाज कैसे करना, तो उसके लिए उन्होंने, या किसी व्यक्ति को आप अस्वीकार कर रहे हैं, उन्होंने इसके लिए मेडिटेशन बताया कि आप शांत बैठ जाइए, रीढ़ को सीधा कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए। अभी जो प्रतिदिन अपन कर रहे हैं उससे भिन्न है, बहुत छोटा सा मेडिटेशन है और इससे कैंसर का इलाज हो जाता है। यदि 6 महीने तक रेगुलर ये मेडिटेशन किया जाए, तो फिर बिना डॉक्टर की दवाइयों के कैंसर ठीक हो सकता है। बस शर्त इतनी है कि भोजन आपको संभाल करके लेना पड़ेगा, उबला हुआ भोजन ले तो श्रेष्ठ है। मिर्च मसाले वगैरह बहुत सारे जो तामसी और राजसी भोजन में आते हैं वो नुकसान करते हैं। तो शरीर को आपको और जहर नहीं देना है, एक तो अंदर पहले ही नुकसान हो चुका है, तो जहरीला भोजन नहीं करना। अब शरीर का जो वजन है, ध्यान के समय ये देखना है कि एक तरफ ज्यादा ना हो। शांत बैठकर आंख बंद करके देखिए आप, यदि दाहिनी तरफ या बाईं तरफ आपको ऐसा लगे कि कहीं कोई खिंचाव है, तो पैरों की मुद्रा बदल करके उस खिंचाव को बराबर कर सकते हैं आप, शरीर संतुलित हो जाएगा। अब शरीर संतुलित होने के बाद 3 गहरी सांस लेंगे, और शरीर के किसी छोटे से हिस्से में भी कोई खिंचाव न रह जाए इसके लिए सर्वांग प्रेक्षण विधि करेंगे। सिर को ढीला छोड़ दीजिए, चेहरे को ढीला कर दीजिए। चेहरे को ढीला करने के लिए आंखों को और जिह्वा को, इन दो हिस्सों को बिल्कुल ढीला कर दीजिए। गले और गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए। रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखिए। कंधों को, भुजाओं को, हाथों को, हथेलियों को ढीला छोड़ दीजिए। उंगलियों के नाखून वाले भाग पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल शून्य कर दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। छाती और पीठ को ढीला कर दीजिए। रीढ़ को सीधा रखिए। पेट को, कमर को ढीला कर दीजिए। कमर के नीचे जो कटी भाग है उसको ढीला छोड़ दीजिए।
दोनों जांघों को, घुटनों को, पिंडलियों को, टखनों को, एड़ियों को, पंजों को और पैरों के अंगूठों और उंगलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब ऐसी कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत बड़े सभा भवन में बैठे हुए हैं। और उस सभा भवन में एक छोटा सा मंच है। पूरे सभा भवन में अमावस जैसा घना अंधेरा है, केवल उस मंच पर प्रकाश है। उस मंच पर आप जिसको अस्वीकार करते हैं, आपको जो बिल्कुल नापसंद है, उस व्यक्ति को खड़ा हुआ देखिए। उसकी छवि और स्पष्ट देखिए। उसने कैसे वस्त्र पहने हैं, उसकी मुख मुद्रा कैसी है, उसकी आंखों में कैसी कुटिलता है, या जो भी आपको जो शिकायत हो सबका स्मरण कर लीजिए। अब उसी मंच पर उसी व्यक्ति के जीवन में उसकी इच्छाएं पूर्ण हो रही है ऐसा देखिए। धीरे धीरे उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती जा रही है। उसको नई गाड़ी लेनी है, वो गाड़ी आ चुकी है उसके पास। वो नया मकान बना रहा है, मकान बन चुका है। उसके बच्चों की जो तरक्की वो चाहता है वो भी हो चुकी है। यदि बच्चे ना हो तो उसको जो तरक्की इष्ट है वो उसको प्राप्त है। उसकी सब इच्छाएं पूर्ण होती जा रही है। ये संसार पुण्य पाप का खेल है। इस समय अपन ध्यान में ये देख रहे हैं कि उसके पुण्योदय से उसकी सब आशाएं पूर्ण होती चली जा रही है। अब अपन जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी तरक्की उसको प्राप्त हो गई है। वो अपने जीवन की चरम सीमा तक उन्नति को प्राप्त कर चुका है, ये अपन उस मंच पर देख रहे हैं। उसकी सब आशाएं पूर्ण हो गई है। अब उसका आकार छोटा होने लगा है, छोटा होते 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 एक बिंदु के समान रह गया है और अब वो विलीन हो गया है। उस मंच पर, उस स्टेज पर कुछ भी नहीं है, केवल वह प्रकाश जो पहले से था। अब उस स्टेज पर अपन अपनी आंखों से अपनी छवि को देख रहे हैं। अपन खड़े हुए हैं उस स्टेज पर अपने मनपसंद वस्त्रों में। और अब अपनी आशाएं धीरे धीरे पूर्ण हो रही है। अपन जो चाहते थे वो होने लगा है। जो भी कामनाएं अपने मन में थी वो पूर्ण हो रही है। अब अपनी तरक्की और बढ़ रही है। अब जल्दी जल्दी अपनी आशाएं पूर्ण होने लगी है और बहुत कम समय में अपन भी अपने जीवन की चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं। और चरम सीमा का जो आनंद है उसका भी इसी वक्त अपने को एहसास हो रहा है।
अपना मन प्रसन्न है। अपने हृदय में पंच परमेष्ठियों की भक्ति अब भी है, उन्हीं पंच परमेष्ठियों का स्मरण अपन कर रहे हैं। हाथों से आंखों को ढांक लीजिए, धीमे से आंखें खोलिए, हाथ हटा लीजिए, ओंकार की तरंगों का एहसास कीजिए। इस समय मन कितना शांत है। इस 10 मिनट के ध्यान को यदि प्रतिदिन किया जाए तो जिनको कैंसर नहीं है उनको जीवन में कैंसर होगा नहीं, और जिनका इलाज के योग्य कैंसर है वो ठीक हो जाएगा।